नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यस, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप लोगों के संग शेयर करने जा रही हूँ, मेरा स्कोर कार्ड। जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट ईयर 2021 में मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है, और मैंने एनालाइज भी किया था, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताया था। तो कल जो पेपर देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी और एक छोटी सी वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि हाउ आई स्कोर 40 out of 40 इन रीजनिंग। और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट ईयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तक ही बहुत ज़्यादा दुखों से भरा पड़ा है बिकॉज ऑफ माई फादर डेथ। तो लास्ट ईयर जब मई में फादर गए थे, बट ये मैंने फॉर्म फिल किया था और ये एग्ज़ाम मैंने दिया था अगस्त में ही, ठीक है। तो मैंने क्वांट का ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, और मैं जितने स्कोर करके आई थी ना, उससे ज़्यादा मेरे को मार्क्स मिले थे। वो कैसे हुआ था वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। देखो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 1/8/2021 को पेपर हुआ था। 40 रीजनिंग में मेरे 40 out of 40 आए थे, और मैंने जब मैं एनालिसिस किया था, जब ही बता दिया था कि मैंने रीजनिंग में 40 किए हैं और क्वांट में मैंने 20 किए हैं, तो मुझे पता था मेरा 60 स्कोर है। लेकिन मेरे को मार्क्स मिले थे 60.25, मतलब मेरा जो स्कोर था ना वो ज़्यादा था। अब ये कैसे हुआ, तो आप लोग देखो, रीजनिंग में तो पूरा था, बट मैंने क्वांट में जो 20 किए ना, उसमें नॉर्मलाइजेशन होकर मुझे 0.25 पूरा 60 out of 60 करने का सही मार्क्स का मिला है। तो ये हो जाता है आपका नॉर्मलाइजेशन। काफ़ी ज़्यादा ये होता है एग्जाम में, जब शिफ्ट्स का डिफरेंस रहता है, जब होता है। तो भाई, स्ट्रेटजी क्या थी मेरी, वो मैं आप लोगों के संग में शेयर करना चाहूँगी। इससे पहले अगर आप लोगों को देखना है, तो मैंने एक लास्ट मिनट टिप वाली आपको वीडियो प्रोवाइड करी थी, ठीक है, आप लोग उसको देखना। 8 मिनट की वीडियो है केवल और केवल, लेकिन उस 8 मिनट के अंदर ना मैंने आपको इतना कुछ बताया है कि उस 8 मिनट में आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो यस, मैं आप लोगों के संग में मेरी रीजनिंग की स्ट्रेटजी और क्वांट दोनों की शेयर करूंगी। बेशक मेरी क्वांट की स्टडी उस टाइम ज़्यादा नहीं थी, बट मैंने कुछ ना पढ़ के भी जो मेरे को आता था वो मैंने अटैम्प्ट किया था। अब देखो, रीजनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार मैम, हमको ना पहले मिसलिनियस कर लेना चाहिए। नहीं यार, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आप कंटिन्यू सॉल्व करो पेपर को। अगर आप पेपर को कंटिन्यू सॉल्व करोगे ना, तो आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होगा, जो पजल आपसे स्टार्टिंग में नहीं बन रही, क्या लगता है वो लास्ट में बन जाएगी, है? जो काम आप आज नहीं कर पा रहे हो, उसको कल बहुत आराम से कर लोगे? नहीं। और जितने आप लेट करते जाओगे, चीज़ें और ज़्यादा टफ होती चली जाएंगी। तो मैंने पेपर बिल्कुल स्टार्टिंग से अटेम्प्ट किया, ठीक है। चलो, मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे संग एक अलग पॉइंट है, बट आप लोग भी पढ़ रहे हो, चाहे वो पीओ का पेपर हो, चाहे वो क्लर्क का हो, लेवल आपका नॉर्मली रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि लेवल जो आता है वो एक सिंपल आता है। अब उसमें हो सकता है कि कुछ पजल्स आपकी क्या हो जाए कि भाई थोड़ी अच्छे लेवल की हो, तो अगर आपने पढ़ाई करी होगी ना, तो 30-40 सेकंड में आपको पता लग जाएगा ये पजल करने लायक है या नहीं है। बट 2-2 मिनट की पजल्स आती हैं, जो आपके 5 क्वेश्चन मिला के पूरे 5-5 मार्क्स देके जाती है। आप आसानी से 20-22 मिनट के अंदर रीजनिंग को क्या कर सकते हो, कवरअप कर सकते हो, और उसके बाद में आप क्वांट पर जा सकते हो। आप लाइन से करो, बिल्कुल लाइन से चलो, और स्टार्टिंग के 22 मिनट आप रीजनिंग को दे लो। 22 में आपके 35 तक तो हो ही जाएगा, पढ़ाई करी होगी यार, उन्हीं के लिए ये क्लास है, आप लोग जैसा जानते हो, ठीक है। उसके बाद में जो बचे हुए आपके पास में टाइम रह जा रहा है ना, उसके अंदर आप क्या करोगे, 23 मिनट तो आपको क्वांट को देने ही देने हैं। और अगर 20 मिनट में आपका 25 स्कोर हो जाए ना, तो आप छोड़ देना क्वांट को, क्योंकि वो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन बचे हुए जो सॉल्व होने वाले होंगे ना, वो इस लास्ट 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, और आप 5 स्कोर और करके यहाँ पूरा 40 और इसके अलावा 25 स्कोर बड़ी आसानी से कर पाओगे। इनफैक्ट जिन्होंने क्वांट अच्छे से पढ़ी होगी, वो स्कोर को 30 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के संग शेयर करी थी। कल आप परसों आपको रिव्यू मिलेगा, टाइम पर लाइव रिव्यू देने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर।